हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गुजिया की रेसिपी। बेसन मावा से बनी ये गुजिया खाने में इतनी स्वादिष्ट, जो एक बार बनाकर खाएगा वो बार बार बनाकर खाएगा इसे। आपने सूजी मावा की गुजिया तो बहुत ही बार बना के खाए होंगे, आप एक बार इसे ट्राई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन चढ़ा लेते हैं। पैन के गर्म होते ही हमें इसमें डाल देना है 2 चम्मच देसी घी। घी को मेल्ट होने देते हैं। अब हमें इसमें डालना है 1 कप बेसन। बेसन को हमने यहाँ पे छान के लिया है। इसे हमें लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से भूनना है। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से भूनना है, एक कलर चेंज होने तक और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने तक। तो देखिए, हमें इस तरह से करते हुए इसे अच्छे से भून लेना है। बेसन हमारा भून गया है बहुत ही अच्छे से। देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है बेसन से। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। नेक्स्ट हम सेम पैन में मावा भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 कप मावा लिया है। मावा को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2-3 मिनट में ये भून के तैयार हो जाएगी। गैस को हमें मीडियम फ्लेम में ही रखना है और इसे अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, इस तरह से प्रेस करते हुए इसे अच्छे से भून लें। मावा हमारा भून के तैयार है, इसे भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। मावा और बेसन को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। नेक्स्ट हम गुजिया के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। मैदा को हमने छान के लिया है। और इसमें हमें मोयन देने के लिए डालना है 2 चम्मच देसी घी। घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं गुजिया। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक मुट्ठी बनने तक। तो हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए, ये मुट्ठी बन जा रही है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेना है। हमें पूड़ी की तरह डो तैयार करना है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेती हूँ। डो हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देना है रेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा बेसन भी ठंडा हो गया है। अब हमें बेसन को छान के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हम एक बर्तन लेंगे और छन्नी लेंगे और इसमें हमें बेसन डालकर अच्छे से छान लेना है, ताकि जो भी इसमें गांठ है वो नहीं रहेगी। तो देखिए, इस तरह से करते हुए आप इसे छान लें। आप इसे हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे तो बेसन बहुत ही अच्छे से छन के तैयार हो जाएगी। तो बेसन को हमने छान लिया यहाँ पे। अब इसमें हमें डाल देना है मावा। मावा हमारा ठंडा हो गया है और इस तरह से करते हुए हम मावा को डाल देंगे। अब हमें इसमें ऐड करना है ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमने काजू बादाम को कट करके ले लिया है और हमने नारियल बूरा को फ्राई करके ले लिया है घी में और इसे हम डाल देते हैं। अब इसमें हमें डालना है शक्कर पाउडर। यहाँ पे हमने शक्कर और इलायची को साथ ही में ले लिया और इसे पीस के हम पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। हमने इसे पीस के तैयार कर लिया। अब इसे हम डाल देते हैं। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। इन सबको डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम डो को देख लेते हैं। 10 मिनट हो गया है, डो हमारे बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें डो से छोटे छोटे लोई तोड़ के तैयार कर लेना है पूरी की तरह। तो मैं यहाँ पे लोई तोड़ के तैयार कर लेती हूँ और इसे पेड़े की तरह बना के रख लेती हूँ ताकि बनाने में आसानी होगी। तो देखिए इस तरह से करके रख ले आप। नेक्स्ट हम एक रोलिंग बोर्ड लेंगे और उस पर एक लोई लेके सूखा मैदा डालकर हमें इसे रोल करना है। हमें इसे पतला बेल के तैयार करना है। अगर आप इसे मोटा बेलेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो आप इसे पतला ही बेल के तैयार करें। देखिए इस तरह से। तो इसे मैं रख देती हूँ एक प्लेट पर। तो इसी तरह से हम सारे पूरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे पूरियाँ बेल के तैयार कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टफिंग करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने सब कुछ तैयार करके रख लिया है और ये हमने गुजिया मेकर ले लिया है। अब हमें इस पे एक पूरी डालना है और इसके सेंटर पे हमें स्टफिंग डालना है इस तरह से। देखिए आप स्टफिंग 1 से 1.5 चम्मच ही डालें इसमें। और किनारों पे हमें पानी लगा के तैयार कर लेना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाए और जब हम तेल में इसे फ्राई करें तो ये खुलेगी नहीं। और इस तरह से बंद करके इसे अच्छे से प्रेस कर लें और बाकी का डो इस तरह से निकाल लें आप। बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगी। देखिए इस तरह से खोल कर आप इसे अच्छे से निकाल लें। देखिए कितनी अच्छी बनी है ये। सेम प्रोसेस करते हुए हम सारे गुजिया को बना के तैयार कर लेंगे। तो सांचे के ऊपर आप एक पूरी को रखें और इसमें स्टफिंग डाल दें सेंटर पर और इसमें पानी लगाते हुए इसे अच्छे से बंद कर लें। इसी तरह से हम बना के सारे गुजिया को तैयार कर लेंगे। सारा गुजिया बना के हमने तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने पहले से तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए हम डो का छोटा सा बॉल डालेंगे। अगर ये ऊपर आ जाती है तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया और इसे निकाल लेते हैं। अब इसमें हमें एक एक करके गुजिया डाल देना है। तो आप एक बार में जितना गुजिया फ्राई कर सकते हैं उस हिसाब से डाल लें इसमें। हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम में पलटते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए आप इस तरह से आप इसे पलटते हुए फ्राई कर लें। तो मैं यहाँ पे इसे इस तरह से पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। गुजिया हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें कलर कितना अच्छा आया, बहुत ही क्रिस्पी बनी है ये। इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। सेम प्रोसेस करते हुए हम सारे गुजिया को अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आप इसे ठंडा होने के बाद एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके पूरे 15 से 20 दिन तक इसे खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये गुजिया, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। सारे गुजिया हमने फ्राई करके तैयार कर लिया। तो ये हमारा क्रिस्पी स्वादिष्ट बेसन मावा की गुजिया बनके तैयार है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी गुजिया बनके तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।